ये फ्रैंकलिन की फर्स्ट फ्लाइट फाइनली टेक ऑफ कर गई है और इसके इसको मिलने वाले हैं 8 लाख रुपए। तो यार जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा कि फ्रैंकलिन ने एक ये बाइक खरीद ली है, KTM RC390, जो कि इसने इंडिया से इंपोर्ट करवाई थी और ये बहुत महंगी बाइक पड़ी है इसे। लेकिन अभी अभी यामा की R1 नई लॉन्च हो चुकी है, 2020 वाला मॉडल, तो इसको लग रहा है कि यार वो ले ले, क्योंकि फ्रैंकलिन अपना चुलबुला है और इसको बाइक खरीदने का बहुत ज्यादा शौक है। तो वो है बाइक लगभग लगभग 20-21 लाख रुपए के आसपास की। और इसके पास एक हायाबूसा थी जो कि इसने बेच दी अपनी हायाबूसा, वो बेची है इसने 12.5 लाख में, क्योंकि इनने 15 लाख की खरीदी थी। तो 12.5 में यार ठीक है, मेरे हिसाब से बिक गई है इसकी। तो अब ये सोच रहा है कि 20 लाख की वो लेने की, लेकिन अभी इसके बाद बचे हुए 8 लाख रुपए नहीं है। तो इसने एक एयरलाइंस में ज्वाइन कर लिया है जो कि है एयर एशिया, तो इसको वहां पे बस एक ही फ्लाइट चलाने पे 8 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो आज इसका फ्लाइट का डे है, ये एयरपोर्ट जा रहा है, इसकी फर्स्ट फ्लाइट है। लेकिन उससे पहले इसको कपड़े खरीदने, अच्छा सा सूट बूट, क्योंकि ऐसे जीन्स वीन्स पहन के तो जा नहीं सकता ये। तो बाइक को यहाँ खड़ी कर देते हैं अपनी और जाते हैं अंदर, एक अच्छा सा सूट लेते हैं कोई। तो सॉरी यार अभी मैसेज आया है, उन्होंने कहा है कि व्हाइट कलर की शर्ट आपको पहननी, क्योंकि इसकी ड्रेस अभी तक बनी नहीं है, सूट नहीं पहन सकता। तो यहाँ से व्हाइट कलर की, हाँ ये मिल गई है हमें, तो ये हमने ले लिया है। अब पैंट्स खरीदते कोई अच्छी सी, तो यहाँ जीन्स कोई मिलेगी व्हाइट कलर की? यार व्हाइट जीन्स मुझे तो नहीं लग रहा मिलेगी, यहाँ नहीं है यार, अब क्या करें। ये पहन लेते हैं, ये थोड़ी थोड़ी मैच कर रही है इससे। और इसकी टोपी उतरवानी पड़ेगी, टोपी भी उतार दी है और खरीद लिया हमने अपने कपड़े आज की फर्स्ट फ्लाइट के लिए। नेक्स्ट फ्लाइट से इसको मिल जाएगी अपनी प्रॉपर ड्रेस, लेकिन ये अगली फ्लाइट करेगा ही नहीं, मुझे पता है ना, ये तो सिर्फ बाइक खरीदने के लिए कर रहा था कि पैसे मिल जाए। तो फटाफट से जाना है हमें एयरपोर्ट और अपनी फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट करनी है, जो कि के चलेगी लॉस सैंटोस के एयरपोर्ट से, जो ट्रेवर का वो था, वहाँ से घुमा के वापस लानी है हमें। काफ़ी बड़ा एयरप्लेन है, वो है एयरबस 320। इसको ट्रेनिंग है, इनने पहले ले रखी है ट्रेनिंग, इसलिए इसके बाद लाइसेंस था, तो इसको जॉब भी मिल गई है। तो सही है यार, एक फ्लाइट चलाने पर सीधा 8-9 लाख रुपये मिल रहे हैं, और क्या चाहिए। बाइक कलेक्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक है, एक तो खच्चर सी बाइक है इसके पास, और अभी जो ये चला रहा है KTM RC390, वो ली थी इसने लास्ट मंथ भी, कहाँ भी कितने ही दिन हुआ है। और अब लेने वाला है ये फाइनली यामा की R1, और वो भी 2020 वाला। भाई साहब उसकी आप हेडलाइट देखोगे ना, क्या गजब है। लेकिन अभी काम पे चलते हैं अपने, पहले पैसा कमाते हैं फिर लेंगे बाइक, और वो इम्पोर्ट नहीं करनी पड़ेगी इसको, अपने ही शहर में मिल रही है वो। लेकिन प्राइस ज़्यादा है यार, 20 लाख, पर उसकी टॉप स्पीड भाई साहब 240-250 के भी ऊपर है। मर मत जाइए बेटा, आज ही पहला दिन है तेरी जॉब का और तू मर जाए। चल 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 बाहर निकल, खुद को नहीं खेल को बदल। तो इसकी एंट्री होगी यहाँ से, क्योंकि क्रू का बंदा है ये। अबे तोड़ना नहीं था गवार, आज तेरे लिए खोलते वो, क्योंकि जॉब पे आया तू। और इसका प्लेन खड़ा हुआ है, कहाँ लोकेशन बताई थी, अबे कहाँ खड़ा कर दिया इसका वाला प्लेन, एयर एशिया में कर रहा है जॉब। मेरे ख्याल से पता करना पड़ेगा यार जाके कि कहाँ पे है, बाइक इसकी यहाँ खड़ी करवा देते हैं। हाँ भाई लौंडे, ये बता कहाँ पे है हमारा एयरप्लेन जो उड़ाना है हमें। तो उन्होंने बता दिया लोकेशन, इस प्लेन के पीछे ही है कहीं पे हमारा प्लेन, वोरा 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 रेड कलर का एयर एशिया का प्लेन। तो आज है फ्रैंकलिन की फर्स्ट फ्लाइट, पैसेंजर जो है वो बैठ चुके हैं, फटाफट से इसको प्लेन उड़ा के वापस वहां से ले जाके यहीं पे लैंडिंग करवानी है, और इसको मिल जाएंगे 8 लाख रुपए। चलो जी, ओ भाई साहब इतनी तेज आवाज, और तेरी क्या प्लेन है भाई। चलो 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 बैक करो फ्रैंकलिन बाबा। चलो जी फर्स्ट फ्लाइट के लिए रेडी, 1 2 3। सीधी क्यों काउंटिंग कर रहा हूँ यार मैं, चक ओए। ये फ्रैंकलिन की फर्स्ट फ्लाइट फाइनली टेक ऑफ कर गई है, और इसके इसको मिलने वाले हैं 8 लाख रुपए। भाई साहब मेरे को मिल जाए यार, पर मुझे चलाना नहीं आता। ओहो गया, कट मार रहा है लौंडे, तू तो छा गया। चलना चलो जी, देखते हैं कैसे एक्सपीरियंस रहता है। अभी तक तो अच्छी उड़ रही है फ्लाइट, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ओ भाई साहब टर्बुलेंस आ गया, ये देखो हमारा प्लेन है, ये क्या प्लेन है यार, मस्त एयर एशिया का। ये इसके विंग्स, ये हमारा पूरा प्लेन, नाउ एवरीवन कैन फ्लाई। मस्त एयरलाइन है एयर एशिया यार, ट्रैवलिंग के लिए काफ़ी तेज़ हवा चल रही है भाई साहब, बहुत ज़्यादा हिल रहा है प्लेन। और भाई इतने लोग बैठे हुए हैं, तो इसको कहीं दबा मत कर दियो, क्रैश व्रैश कर दे तेरे 8 लाख रुपए चक्कर में इतने लोगों की जान चली जाए। ये देखो भाई साहब कितनी विंड है, पूरा हिल रहा है लिटरली, ये देखो। तो है तो बहुत बड़ा यार ये,
गजब का एयरप्लेन है। और वो एक और प्लेन जा रहा है और अभी वो कट आने ही वाला है, उस कट से फ्रैंकलिन को राइट मोड़ना है अपना प्लेन, तभी वो वहाँ पे मतलब उस जो रन वे है वहाँ पर लैंडिंग करवा पाएगा प्रॉपर। ये ही कट है मिलिट्री बेस में, तो अब इसको एक राइट टर्न लेना है बहुत गहरा सा। ओहो भाई साहब, आराम से फ्रैंकलिन बाबा आराम से ले लिया फाइनली इसने अच्छा कट। बिल्कुल स्ट्रेट जाना है इसको और इसको रन वे मिल जाएगा कुछ आधी देर बाद ही। मार्क कर रखा है हमें, पूरी डायरेक्शन मिल रही है कि कहाँ जाना है, चाहे ऐसे वो है सामने। ओहो भाई साहब, बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस है इस वक्त, प्लेन लिटरली पूरा हिल रहा है इधर उधर इधर इधर उधर इधर, अंदर पैसेंजर डर रहे होंगे भाई साहब वो कह रहा है। पर फ्रैंकलिन की गलती नहीं आ रही है, ये तो मतलब वेदर की गलती है ना। और वो आ गया शायद से रन वे, वही है ना, हाँ तो हाँ 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 वही है वही है वही है। बेटा ढंग से लैंडिंग करवाइयो, आ गया बस यही है रन वे, यही है। अबे टायर तो खोल गवार, नाइस। ओहो मेरे को लग रहा है थोड़ा सा आगे ले गया, ठीक है हो गई। ओ फाइनली फ्रैंकलिन ने अपनी फर्स्ट लैंडिंग करवा ली है जॉब में और पास हो गया है अपनी जॉब में, तो बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन, बहुत बढ़िया। आगे इसको ले जाना है यहाँ पर और कुछ देर फ्लाइट का होल्ट है यहाँ पे और फिर ये लॉस सैंटोस जाएगा, तो इतने चाय वाय पी ली जाए। ये क्या भाई, ये हैंगर में अपने कुत्ते को लेकर घूम रहा, मार इसके, चलो ए सॉरी जान। कोई नहीं यार, वो गेम में मार रहे हैं, कमेंट सेक्शन में शुरू मत हो जाना, असली में नहीं मारता मैं। तो ये रहा अपना एयरबस 320, थोड़ी देर का होल्ट है उसके बाद फिर निकलेंगे हम वहाँ पे। तो चलो जी, होल्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है जितनी देर का था, अब फ्लाइट को वापस ले जाने का टाइम आ गया और अभी मोड़नी पड़ेगी फ्लाइट हमें यहाँ पे, जो कि मुश्किल है काफ़ी ज़्यादा क्योंकि बहुत छोटी जगह है ये। पर अपना फ्रैंकलिन भाई ट्रेंड बनता है पूरा। हो भाई साहब, एरोप्लेन को रोड पर ले आए हैं, तो क्या करें अभी, इतना छोटा सा है वो है एयर स्पेस, क्या कर सकते हैं। मुड़ जा अब यहाँ से, मुड़ जा यार। चलो जी, लगभग मुड़ी गए। लो जी लो, ले आए हैं हम रनवे पे, और रनवे बहुत छोटा है यहाँ पे, इसको बहुत सावधानी से उड़ाना पड़ेगा। 3, 2, 1 चले। ओहो, रनवे छोटा है फ्रैंकलिन, उड़ा लियो प्लीज़, इज्जत का सवाल है, 8 लाख रुपए की बात है। और ये फ्लाइट उड़ गई, यस। ओहो, क्या बात है एयर एशिया। चलो भैया, टायर डालो अंदर और जल्दी से चलो लॉस सैंटोस के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। बड़ा एयरक्राफ्ट है यार, उड़ कैसे जाते हैं पता नहीं है, इतने लोगों को लेके इतने वेट के साथ। कट आ गया है, यहाँ से मुड़ना है इसको। ओ भाई साहब, ये नीचे की जगह जो है ना राइस फील्ड, ऐसी बिल्कुल सेम टू सेम बाली में है यार। अच्छा उड़ा रहा है यार फ्रैंकलिन प्लेन, मेरे को तो लगा था यहीं चोमू वोमू होगा, और अच्छा उड़ा पा रहा है, काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर रहा है पूरी फ्लाइट को। और ये आ गए हैं हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लगभग बस। ये रहा अपना रनवे, यहाँ पे हमें लैंड करवाना है इसको। चलो गेट खोल लो भैया। फ्रैंकलिन आराम से, मेरे को डर लग रहा है, फ्रैंकलिन प्लीज़, फ्रैंकलिन। ये फाइनली करवा दिया फ्रैंकलिन ने, और अब इसको हैंगर पे ले जाना है, मतलब वहाँ पे। यहाँ पे लगाना है इसको, चलो
जी बिल्कुल परफेक्ट लगाया। चलो जी अपना जो है मिशन वो पूरा हो गया है और अब फ्रैंकलिन को मिल जाएंगे उसके 8 लाख रुपए। तो फ्रैंकलिन की बाइक उठाते हैं और घर चलते हैं यहाँ से सीधा। तो ये खड़ी हुई इसकी बाइक। चलो जी हेलमेट पहनो और घर चलो। पहली जॉब जो है वो अपनी पूरी हो चुकी है। यहाँ से हमें जाना है फ्रैंकलिन के घर वापस। चलिए जी बाय बाय इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मज़ा आया काफ़ी पहली फ्लाइट में हमें। अबे ये फिर ना गेट तोड़ दे। कैसा है यार ये चुलबुला सा, देखना गेट तोड़ दिया। बट इसका जो है वो फाइनली मिशन पूरा हो चुका है और बहुत ही जल्दी इसके अकाउंट में इसकी सैलरी आ जाएगी 8 लाख रुपए की। और फिर ये बचे हुए पैसों से अपनी यामाहा R1 ले लेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड शॉर्ट शायद से उसकी डिलीवरी हुई होगी। तो अगर आप चाहते हो मैं उसको भी रिकॉर्ड करूँ तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसकी नई बाइक होएगी उसका भी एक टेस्ट करेंगे, शहर में गेड़िया मारेंगे, टॉप स्पीड चेक करेंगे। और अभी तो घर जाना है भैया हमका। थक गया होगा फ्रैंकलिन, वैसे इतनी लंबी फ्लाइट चलाई है यहाँ से पहले वहाँ फ्रैंकलिन के वहाँ पे जहाँ उसका घर था पुराना, और फिर वहाँ से वापस यहाँ पे। और मस्त बाइक है अरे KTM, मतलब शहर में चलाने के लिए परफेक्ट है गलियों वगैरह में। R1 को तुम हर जगह ही ले जा सकते क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा होती है वो, एक तो जैसे हायाबूसा ही ले जा सकते थे, लेकिन भाई साहब वो एक अलग ही बाइक है। और मतलब तुम देखोगे ना देखते ही प्यार सा हो जाएगा। फ्रैंकलिन ने भी एक नज़र देखा और प्यार हो गया उस बाइक से, और उन्हें सोच लिया कि बस अब तो हायाबूसा बेचूंगा और पैसे जोड़ के वही बाइक लेनी है। और किस्मत से इसकी नौकरी भी लग गई और 8 लाख रुपए की सीधा। और अब फाइनली जो है इसका पूरा पैसा जुड़ गया है बबुआ। अब ये लेगा यामाहा की R1 और वो भी 2020 मॉडल, 2020 का सबसे लेटेस्ट मॉडल। इंडिया में भी लॉन्च नहीं हुआ वो अभी तक, वो होएगा लास्ट में नवंबर दिसंबर में, लेकिन वहाँ तो हो चुका है और इसको मिल भी गया है। और ये प्री ऑर्डर भी करे आया था जैसे इसको जॉब लेटर मिल गया था वहाँ पर, ये एडवांस दे आया है 10 लाख रुपये। अब बाकी के 10 लाख दे के कम्प्लीट पेपर वर्क करके मस्त ले लेगा। चलो जी हम आ गए हैं अपने घर वापस और अब चलते हैं अंदर और थोड़ा सा रेस्ट मारते हैं भैया। चलो जी तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। GTA 5 के गेम प्ले डालता रहता हूँ मैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे इस तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो में। टेल देम गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। बाय। और थोड़ी तो बनती है ना उसकी भी, बेचारा मेहनत करके आया है। चलो चलो बाय बाय बाय।